हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और गाइस, अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं बैठा हूँ बिल्कुल फ्री, क्योंकि मेरी चल रही है गर्मी की छुट्टियाँ। और यहाँ पे भैया कर रहे हैं काम, क्योंकि उनका भी ऑफिस चल रहा है। और विजय घूम रहे हैं इधर उधर। विजय अभी शायद गुना जाएंगे, और ये कार्ड्स लेके बैठ गए। विजय अकेले अकेले खेलेंगे शायद से, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे को विजय ने लगा दिया है काम पे कि पूरे ये माइका वगैरह को पोछ डालो, क्योंकि हर हफ्ते इन्हें पोछना रहता है। तो भाभी और भैया गुना जा रहे हैं, भाभी और भैया गुना जा रहे हैं। भैया किधर जा रही हो? वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। पता नहीं, मम्मी को लेकर आना। अच्छे हैं बैंगलोर के मुकाबले, लेकिन वहाँ पे अधिकतर टाइम तो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इतना आसानी से इतना फ्रीली गाड़ी चलाने का मौका मिलता है बहुत कम ही। हाँ भाई, ज्यादा तू ना मारो लगे तू पीरो भर दे वो दूसरी थैली। वो काला वहाँ पे मिलते ही नहीं, वहाँ पे पीले ही रखा रहता है भाई। काला हो ही हुआ देख लीजिए, वो भगवान ने जब था वो ये कालो बना दो पीरो तुम कर रहा है वो मैं कैसे हूँ। तो दोस्तों, जय बना रहा है, क्या बना रहा है? पास्ता। तो जय भाई पास्ता बनाने में बिजी हैं, मेरे लिए भी बना रहा है। मेरे लिए बना रहा है कि नहीं? तो हम पास्ता खाएंगे, उसके बाद देखते हैं बनने दो एक बार, फिर बताते हैं कैसा क्या बना है। ये तैयार है पास्ता, और अब जो जाने वाला सीधा पेट के अंदर है। इसमें डाल दियो क्या क्या डाल दिया? इसमें डाला शेजवान चटनी, सॉस, आज के वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अपन को वहाँ चलना चाहिए बोगसा का डैम, क्योंकि रास्ते में पड़ता है। मुझे 2.5-3 किलोमीटर अंदर निकलना पड़ेगा बस यहाँ से मेन रोड छोड़ के। मैं सच कई बार जा चुके हैं, वहाँ चलो आज देख लेते हैं। मैं तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं वहाँ पे, पर अपन फिर भी एक बार जाके देख ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आज तकरीबन आ चुके हैं। ये है मेन गेट हमारे गोपी के सागर डैम का, तो आप देख सकते हैं गोपी के सागर डैम जिला गुना। ओ इट्स अ सरप्राइज, डैम आज बंद है। क्यों बंद है इसका आइडिया हमें नहीं है, पूछ लेते हैं क्यों बंद है, ये हमें बात करना पड़ेगा कि डैम क्यों बंद है। अरे और क्या भैया, बंद है क्या?
बस पैदल जाना अलाव है? कब तक, कब से? अच्छा तो पैदल जा सकते हैं? हाँ, गाड़ी एक बार। अच्छा तो कोई टाइमिंग की वजह से इशू है, फिर अब से अब बंद ही रहेगा हमेशा? ठीक है चलो, पैदल अकेला जाना है अलावा फिलहाल, तो गाड़ी यहीं पार्क करने का बोल रहे हैं। हाँ गर्मी बहुत है, सभी आज तो फिर रहने देते हैं, थोड़ा सा एक व्यू लेके आ जाते हैं बस दूर से, क्योंकि इस गर्मी में बाहर इतना तो जाएंगे नहीं। बस यही है यहाँ? नहीं यार, उस तरफ डैम के उस तरफ यहाँ से गाड़ी निकल जाती है, तो मैं आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। आप देख सकते हैं ये गेट बंद कर दिया है इन्होंने, अभी से एक नियम लाए हैं कि आप ये गेट बंद रहेगा, सारी कार यहीं पर पार्क करनी पड़ेंगी बाहर, इसके आगे हमें पैदल जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं डैम के उस तरफ वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे एक अच्छा सा रिजॉर्ट टाइप है, यहाँ पे एक गार्डन वगैरह है, यहाँ पे घूम फिर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, बट फिलहाल क्योंकि धूप बहुत है और गर्मी भी है तो वहाँ हम लोग तो नहीं जाने वाले हैं, अभी तो हम यहीं से वापस लौट जाएंगे, पर क्योंकि अब यहाँ आए हैं तो आप लोगों को बस दिखा देते हैं कि ये डैम कैसा है। तो अभी तो गर्मियों का मौसम है तो यहाँ पर ज़्यादा पानी है नहीं, बट जब बरसात आ जाएगी, जैसे एक दो महीने बाद जब मानसून आ जाएगा पूरी तरह से, तो ये डैम पूरी तरह से लबालब भर जाएगा और दोनों तरफ पानी देखने को मिलेगा। तब अभी तो एक ही तरफ है, बट यहाँ पे बोटिंग एंड ऑल सब करने में बड़ा मज़ा आता है। पहले स्कूल टाइम में हम लोग दोस्तों के साथ आया करते थे, जहाँ पे बहुत मज़े करते थे। तो आज हमारी किस्मत में ही नहीं था शायद घूमना, इसलिए हम वापस आ गए, फिर किसी दिन जाते हैं वापस। कैसा लग रहा है आपका मन था इतना घूमने का? गोभी सागर डैम बढ़िया लग रहा है, कुछ काम नहीं था तो नहीं जाते, मुझे पता है। यहाँ पे मम्मी बाहर जा रही है कुछ काम से, ये थर्माकोल रखने जा रही हो क्या मम्मी? ये देखिए, धूप हो रही है बहुत तेज, कुछ टाइम पहले तो बरसात हो रही थी, धूप निकल रही थी और ठंड बढ़ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, अभी तो बहुत तेज धूप पड़ रही है, अभी तो ठंडी ठंडी माजा पीने का मन कर रहा है मेरा तो। मम्मी फुटबॉल खेले? चलो चलिए गाइस अब फुटबॉल खेलते हैं। और ये भैया का शानदार स्मैश, ना के आया अभी, आज सुबह प्रॉब्लम हो गई थी एक मोटर के साथ, तो वो सही कर, उसमें पानी नहीं आ रहा था। अरे भैया का, दोनों भैयाओं के बीच में यो शानदार मुकाबला चलता हुआ, और एक गोल, खाता खोलो मूवमेंट, विजय भैया का खाता खोलो मूवमेंट आ गया, गोल 2-1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, गोल, एक और गोल, भैया हावी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए अब मैं आपको पीछे का गार्डन बता देता हूँ, जिसका कंस्ट्रक्शन बाकी है अभी, और यहाँ पे भाभी आई हुई हैं, यहाँ पे कपड़े उतार रही हैं भाभी। ये देखिए पीछे का पार्ट है हमारे घर का, जो कि हमने आपको कभी नहीं बताया, वैसे तो घर भी नहीं बताया आपको, लेकिन ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम गार्डन टाइप बनाएंगे और यहाँ पे ऊपर छत वो टीन वगैरह कर देंगे, टीन शेड वगैरह, और फिर यहाँ गार्डन हो जाएगा और यहाँ पे घास उग जाएगी पूरे में, और फिर उसके ऊपर मतलब झूला वगैरह या फिर कुछ भी क्यारियाँ वगैरह बना देंगे यहाँ पे, और फिर उसमें पेड़ पौधे वगैरह उगा देंगे, फल वगैरह लगने जाएंगे, फिर उसमें सब्जियाँ उगा देंगे, और फिर यहाँ पे खेल भी सकते हैं हम, जैसे कि वहाँ वहाँ पर बैटिंग कर लो, यहाँ बॉलिंग कर लो, क्रिकेट खेल लो, बहुत कुछ कर सकते हैं पीछे, ये पीछे का पार्ट है। तो यहाँ का कंस्ट्रक्शन बाकी है, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कुछ दिनों बाद, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पीछे का पूरा कि आप कैसा दिख रहा है ये, और फिर देखते हैं क्या कैसा दिखता है ये, और फिर चलिए